29 अक्टूबर की सुबह का वक्त था। केरल के एर्नाकुलम में कलाम सेरी के एक कन्वेंशन सेंटर में लोग प्रार्थना कर रहे थे और इसी दौरान अचानक धमाका हुआ। लोग कुछ समझ पाते तभी एक के बाद एक और धमाका हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये मंजर कितना डरावना था इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महज 20 मिनट में एक के बाद एक कुल 3 धमाके हुए जिससे वहां मौजूद लोग दहल उठे और इधर उधर भागने लगे। आखिर क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, कौन है वो जिसने ये धमाके किए, चलिए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। केरल के एर्नाकुलम में कलामसेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में 3 ब्लास्ट के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी है। मुंबई और पुणे को खासतौर पर अलर्ट किया गया है। इसके अलावा जहां जहां यहूदी धर्मस्थल है वहां हाई लेवल सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन इन धमाकों के बाद राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई। धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की। वही NSG की NBDS टीम और NIA टीम केरल के लिए रवाना हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। केरल के एर्नाकुलम में कलामसेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में ये ब्लास्ट हुआ। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक कन्वेंशन सेंटर के हॉल में एक के बाद एक 3 ब्लास्ट हुए। इतने ने बताया गया है कि जब धमाके हुए तब मौके पर 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे और सभी प्रार्थना कर रहे थे। केरल पुलिस के मुताबिक पुलिस को करीब 9 बजे एक कॉल मिली जिसमें कहा गया कि एर्नाकुलम में कलामसेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट हुआ है। इसके 5 मिनट के अंतराल बाद वहां दूसरा ब्लास्ट हुआ। 2 ब्लास्ट के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। विस्फोट से वहां आग भी लग गई। लोग खुद को बचाने के लिए भागने लगे। वहां मौजूद लोगों के अनुसार 15 से 20 मिनट के अंतराल पर तीसरा ब्लास्ट भी हो गया। इस धमाके में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। घायलों में भी 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने धमाके के बाद सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी। उन्होंने सभी से अस्पताल आने का आग्रह किया है। वहीं केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव ने कहा कि विस्फोट स्थल की भी घेराबंदी कर पुलिस और अग्निशमन दल राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। कई लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। केरल में हुए इस ब्लास्ट के बाद राज्य में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी डर का माहौल है। खुफिया एजेंसी ने सभी राज्य सरकारों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। वहीं केरल में पुलिस प्रशासन भी एक्टिव मोड में है लेकिन ब्लास्ट का डर लोगों के जहन में साफ दिख रहा है। केरल में ब्लास्ट की वजह क्या है इसकी जांच अभी चल रही है। फिलहाल DGP केरल का कहना है कि हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं, हम जल्द ये पता लगाएंगे कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये एक IED विस्फोट है। धमाके के लिए इंसेंडरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। ये डिवाइस IED की तरह ही होता है जिससे एक छोटा धमाका होता है जिससे आग लग जाती है और आग लगने से हालांकि आप सभी ने देखा कि केरल में 3 लोगों की मौत हो गई। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।